भगवंत मान ने भगत सिंह के गांव में पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। 10 मार्च को आए नतीजों में आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 117 में 92 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो पिछले 56 साल में पंजाब में किसी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। और इस बड़ी जीत के 6 दिन बाद भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए। पंजाब में अपने पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए आम आदमी पार्टी ने शहीद भगत सिंह का गांव खटखटकणा चुना, जहां एक भव्य समारोह में भगवंत मान को गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित ने शपथ दिलाई। मैं भगवंत मान ईश्वर दी सौं चुकदा हां। 48 साल के भगवंत मान पंजाब के दूसरे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। इससे पहले प्रकाश सिंह बादल ने 43 साल की उम्र में पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पंजाब में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक स्थान पर शपथ ली हो। यही नहीं, इस समारोह के लिए एक खास ड्रेस कोड भी रखा गया और खटखटकणा पहुंचे लोगों का पहनावा उसी ड्रेस कोड के हिसाब से था। मान हो या केजरीवाल, सिसोदिया हो या वहां मौजूद लोग, सबके सर पर पीली पगड़ी सजी। यहां तक कि मंच भी पीले रंग से बना। पीली पगड़ी को भगत सिंह का प्रतीक माना जाता है और इस समारोह में उसी का बोलबाला रहा। पंजाब का 17वां सीएम बनने के बाद भगवंत मान ने भी लोगों से उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का वादा किया। वो कहंदे इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सर जमी को महबूब बना लिया जाए। लेकिन बीजेपी ने मान के खटखटकणा गांव में शपथ ग्रहण को दिखावा बता दिया। खटखटकणा में कार्यक्रम करना था तो 23 मार्च करते। आप पंजाब के राजा नहीं बने जिसके राज्याभिषेक में करोड़ों रुपए सरकार के, गरीब आदमी के करोड़ों रुपए खर्च हो जाए। पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ बहुमत के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया, बल्कि जीती हुई सीटों का ऐसा पहाड़ खड़ा किया कि सभी विरोधी मिलकर उसके चौथाई हिस्से तक ही पहुंच पाए। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पंजाब से। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी हरभजन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है। नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव के दौरान जलंधर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया था और कहा जा रहा है कि इसकी कमान हरभजन को सौंपी जा सकती है। हरभजन सिंह जलंधर के ही रहने वाले हैं। विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, क्या पता चल रहा है इस पर? जो जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी को 31 मार्च को जो 5 राज्यसभा की सीटों का चुनाव होना, उनमें से एक पर भेजा जा सकता है हरभजन सिंह को। इसके लिए के लोगों का कहना है कि हरभजन सिंह से बात भी हो चुकी है और मुख्यमंत्री का यह फैसला था कि हरभजन सिंह को हमें राज्यसभा पार्टी को भेजना चाहिए और साथ साथ जलंधर में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी पंजाब सरकार की, उसकी कमान भी हरभजन सिंह को ही सौंपी जाएगी। इस तरीके की जानकारी पंजाब के नई आम आदमी पार्टी सरकार के सूत्रों से पता चल रहा है। शुक्रिया विक्रांत आपका।